ईडी की रेड में झारखंड में आईएएस अफसर पूजा सिंघल के सीए के पास से करीब 20 करोड़ रुपए कैश मिलने का एक नया सियासी जंग इसके बाद शुरू हुई है। हम आपको बता दें, बीजेपी नेता सैयद जफर इस्लाम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि यह झारखंड में ऑर्गेनाइज क्राइम का जीता जागता उदाहरण है। जफर इस्लाम ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आईएएस पूजा सिंघल किंग पिन रही है और मुख्यमंत्री के इशारे पर इन्होंने ये काम किया है। अगर इसके तार देखे जाएं, तो इसके तार सीधे सीधे दिखते हैं कि हेमंत सोरेन जो जेएम पार्टी के चीफ भी हैं और वहां के मुख्यमंत्री भी हैं, उनका सीधे सीधे इस पे तार जुड़ता है और उन्हीं के इशारे पे जो उनके जो खनन सचिव हैं उन्होंने ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए, माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट जो बहुत सस्ते दर पर दिए और अवैध तरीके से दिए और अवैध तरीके से पैसा कमाने का काम किया। आज उसका नमूना सामने दिख रहा है कि जिस तरह से कैश बरामद हुआ है और उसकी गिनती जारी है, कई मशीनें नोट गिनने वाली लगी तब भी ये काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है।